ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। पंखा धीरे चलता है, बेबी बहुत रोती है। अच्छा नहीं आएगा। आज हम देखेंगे कि जो फैन है ना, अपना सीलिंग फैन, उसमें रेगुलेटर घुमा के मैक्सिमम रेगुलेटर करने पे भी स्पीड जो है ना बहुत धीरे रहता है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। आप अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, आने का 250, 300, 300, 400 रुपीस लेगा, फिर बदलेगा कुछ, बोलेगा सर्विसिंग करने के लिए। मैं किसी का नौकरी नहीं खा रहा हूँ, ना किसी का जॉब खा रहा हूँ, जस्ट टेलिंग यू कि ये सिंपल सा हैक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चेंज करना है। सिंपल, 5 मिनट्स जॉब, 30 रुपीस, एंड वी विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। वैसे ये जो कैपेसिटर होता है ना, इसका लाइफ होता है थोड़ा सा, अराउंड 1 ईयर 2 ईयर्स में अगर ब्रांडेड नहीं है तो वो जो कैपेसिटर होता है वो अपना पावर शट डाउन कर देता है। तो जो रिक्वायर्ड करंट होता है डिलीवर, जो मोटर स्टार्ट करते समय, वो इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए फैन का स्पीड फुल पे नहीं आती है, मैक्सिमम पावर पे नहीं आती है। सो मैं अभी इसको चेंज करूँगा, मैंने इसको अभी लेके आया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। उसके लिए एक हाई राइज स्टैंड जैसे ले लीजिएगा, ताकि आप फैन के इधर तक पहुँच जाए, और इंश्योर करिएगा कि फैन का मेन स्विच ऑफ है और रेगुलेटर जो है वो जीरो पे है, ठीक है। तो अभी मैं अपना ये पिटारा खोलता हूँ। ओके, इसमें से आप माइनस स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, माइनस का जरूरत पड़ेगा ऊपर, माइनस पतला वाला लीजिए, जस्ट मीडियम साइज। आप वो एक बार देखोगे ना अपने आप से, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये साइज है, ये इतनी छोटी साइज है ना, ये माइनस साइज का, ये हमें जरूरत पड़ेगा। सो मैं इसको अभी रख देता हूँ नीचे, काफी गर्मी हो रही है। एसी चालू कर सकते हैं ना, कितना बिजली बिल बचाएगी। चालू कर, जल्दी जल्दी ना बदलिए, मुझे भी यहाँ पे पसीना आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या, इसको सीधा कर लो मैडम। ओके, इसको ऊपर बस खसका दीजिए। इसका कनेक्शन आपको देखेंगे तो ये जो दो वायर है वे ना कनेक्शन, इसको बस निकालेंगे हम लोग और वापस ये वाला प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ साइड में आपको ये नेगेटिव का ये रहेगा, इसको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए स्क्रू को, और दूसरा ग्रीन वायर जो जा रहा है वो जा रहा है, वो जा रहा है सेकंड वाले में। ओके, और इसको खींच दो बाहर, ठीक है, दैट्स इट। तो पहले दो में है, आपको निकालना है। और नया कैपेसिटर, इस कोई भी कैपेसिटर हैंडल करने से पहले आप इसको डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज इन द सेंस, कैपेसिटर में ना पावर होता है, तो आप दोनों इसका टर्मिनल्स को केयरफुली विदाउट टचिंग दोनों को सटा दीजिए, दोनों को टच कर दीजिए, ताकि जो पावर है उसके अंदर वो डिस्चार्ज हो जाए। फिर इसको पहले आप अंदर डाल दो। पहले वाले में डाल दिया, सॉरी सेकंड वाले में डालना है। ओके, अभी जिस टर्मिनल में से आपने निकाला उसी टर्मिनल में कोई भी वायर, इसमें कोई वायर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी वायर आप डाल दो और बस रेडी। पंखा को चालू करके एक बार ट्राई आउट कर लो। ओके,
पंखा फुल स्पीड पे चल रहा है।